चार दिवसीय उर्स पाक के सफल आयोजन के अवसर पर सालाना उर्स पाक कमेटी द्वारा शुक्राने की चादरपोशी की रस्म अदा की गई। साथ ही संदल व झांकी लाने वाले कमेटियों को पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया गया। जश्न काबुली सरकार सालाना उर्स पाक कमेटी द्वारा हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्ला अलैह पुराना बस स्टैंड स्थित दरगाह का 70वां उर्स मुबारक कौमी एकता उत्सव के रूप में मनाया गया, जिसके सफल आयोजन के अवसर पर परंपरा अनुसार कमेटी व शहर के आवाम की ओर से शुक्रवार की शाम दरगाह में चादर पेश कर रस्म शुक्राना अदा किया गया, जिसमें शहर विधायक अरुण वोरा, कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू, सालाना उत्पाद कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा, दुर्ग CSP व कोतवाली थाना प्रभारी की उपस्थिति में बाबा के आस्थाने पर चादर पेश की गई। इस अवसर पर चार दिवसीय एकता उत्सव में शहर के नहीं बल्कि विभिन्न जगहों से बाबा के चाहने वाले द्वारा संदल, चादर व झांकियां बनाकर बाबा के दरगाह पर अपनी हाजिरी लगाई गई, जिस पर सालाना उर्स पाक कमेटी के निर्णायक मंडल द्वारा खादिम आस्थाने कमेटी द्वारा आए हुए अतिथियों का दस्तारबंदी व तवर्रुफ दिया गया। गौरतलब है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा की तर्ज पर कौमी एकता की मिसाल पेश करता उर्स पाक के चार दिवसीय सफल आयोजन पर सालाना उर्स पाक कमेटी द्वारा शुक्राने चादर की रस्म अदा की गई। उसके बाद आए हुए सभी अतिथियों का सालाना उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश जस लहरा, जनरल सेक्रेटरी रौफ कुरैशी, यूनुस पटेल, हाजी साजिद अली, हाजी इरशाद बेग, मिर्जा हाजी हनीफ भिड़सार द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संदल, चादर, झांकी लाने वाले कमेटियों को भी पुरस्कृत किया गया, जिसमें दुर्ग भिलाई सहित शहर के अन्य लोगों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों ने बाबा की शान में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और 70 वर्ष हो गए, 70 वर्ष तक इस तरह का आयोजन करना अपने आप में एक कीर्तिमान है। बाबा की जो ये मजार है, यह सर्व धर्म संभाव की प्रतीक है। सभी धर्म के लोग बहुत सम्मान से यहाँ आते हैं और उनके मन में जो भावना होती है और जो वो मनोकामना करते हैं, वह मनोकामना बाबा की कृपा से पूरी होती है। जैसा कि आज जो आयोजन हुआ संदल, ये जो बहुत ही भावना से लोगों ने जो संदल चढ़ाई, ये कव्वाली का जो 5 दिन तक कार्यक्रम चला, उसमें बहुत भावना से लोगों ने यहाँ कर अपनी जो संदल चढ़ाई है उसका फल उनको मिलेगा। और क्योंकि बाबा सबको समान रूप से देखते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग कुछ नहीं करते, सब बाबा करते हैं और बाबा की कृपा से हम सबका नाम होता है। ये बात मैंने अभी यहाँ पर कही है और ये सच भी है कि बाबा सबका ध्यान रखते हैं, सभी धर्मों का ध्यान रखते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, हमारे देश की जो संस्कृति है, सर्वधर्म संभाव की है और सद्भावना की है, भाईचारे की है, एकता की है, उस पर जब हम यहाँ आते हैं तो अपने आप हमारे मन में मजबूती लगती है। मैं बाबा के चरणों में नमन करता हूँ और बाबा की कृपा हम सब के ऊपर हमेशा बनी रहे, उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा रहे, हम सब का जीवन हमेशा खुशहाल रहे। क्योंकि आपने देखा होगा दुर्ग में जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं बहुत ही अच्छे से होते हैं, बहुत ही सफलतापूर्वक होते हैं। हिंदू के जो आयोजन होते हैं उसमें मुस्लिम समाज के लोग, सिख समाज के लोग, क्रिश्चियन समाज के लोग, दिगर समाज के लोग भी इसमें आज बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करते हैं। मुस्लिम समाज का कोई कार्यक्रम हो, धार्मिक आयोजन, उसमें सभी समाज के लोग बहुत ही दिल से आकर उपस्थित होते हैं। तो ये दुर्ग की परंपरा है और ये परंपरा हमेशा बनी रहे। बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह के 70वें उर्स पाक पर जो दुर्ग शहर के आन बान और शान है, उनके दरबार में हमने ये उर्स पाक का प्रोग्राम किया। 4 दिवसीय उर्स पाक का प्रोग्राम था, जो कि हजारों की तादाद में पूरे छत्तीसगढ़ से लोगों का आना हुआ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, सारे जगह से लोग आते हैं बाबा के चाहने वाले। और हमारा प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। आखिरी दिन की तो इतनी भीड़ थी कि आदमी पैदल भी नहीं चल पा रहा था। और ये मेरा सालाना उर्स पाक कमेटी में अध्यक्षीय पद का 25वां साल भी है, इसलिए इसे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे पदाधिकार भाइयों ने और कमेटी के मेंबरों ने मनाया है। और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ऐसे ही सफल आयोजन हर साल करते रहे। धन्यवाद। बाबा का उर्स बहुत ही उत्साह और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया, इसके लिए मैं सभी दुर्ग शहर वासियों को बधाई देता हूँ।
यह कार्यक्रम कोई विशेष व्यक्ति विशेष धर्म का नहीं था, यह पूरे ग्रुप वासियों का था। जब तक बाबा का उर्स पाक था, शहर में एक अलग ही माहौल रहा, चाहे दिन हो या रात हो, सभी लोग बाबा के उर्स मनाने में मस्त रहे। और कोई धर्म नहीं छूटा, कोई वर्ग नहीं छूटा, जो बाबा बाजार में चंदन लेके या चादर लेके नहीं आया। इतना ही कहना चाहूँगा कि देशवासियों का यह जो प्रेम है, यह जो उत्साह है, यह जो बाबा के प्रति स्नेह है, इसके प्रति आस्था है, वह दिखाता है कि ग्रुप में सभी वर्गों में भाईचारा है, सभी धर्मों में भाईचारा है और एकता के संदेश को दिखाता है। दुर्ग शहर में कौमी एकता की मिसाल पेश करता हजरत बाबा का उर्स मुबारक पूरे छत्तीसगढ़ में एक अलग अलग जगाता है, जिसे देखने सुनने व अपने सुन्नत मुराद पाने सैयद बाबा के आस्थाने पर हाजिरी देता है। चार दिनों तक पूरा शहर मेले जैसे माहौल में तब्दील रहा, जहां सभी धर्मों के लोगों द्वारा उर्स पाक में अपनी अपनी सेवाएं देते नजर आए। इस पावन अवसर पर लोग अपनी दुआ व मन्नत को पूरा पाते हैं, ऐसा नजारा सिर्फ छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में देखने को मिलता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।